हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ओवल बस राउंड द इंडिगमेट। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टाइप्स ऑफ ओवल किसके बेसिस पे, बेस राउंड इंडिगमेट। ओके, सो यहाँ पे मैं तीन टाइप के ओवल बोल रही हूँ आपको। एक यूनिटेगमिक, दूसरा है बायटेगमिक, और तीसरा टाइप आता है अटेगमिक। ओके, सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल फोकस इन डिटेल में एग्जाम्पल आपको याद नहीं रखना है, इसका मोस्ट केसेस में कौन सा है वो आपको याद रखना है। यूनिटेगमिक, यूनि का मतलब सिंगल, टेगमा का मतलब इंटीग्रमेंट। द ओवल विच हैज ओनली वन इंटीग्रमेंट और वन कोटिंग और वन प्रोटेक्टिंग लेयर, दैट ओवल इज सेड टू बी यूनिटेगमिक। ओके, इसके बाद बाय का मतलब टू। अभी इससे पहले मैंने जो लेक्चर दिया है वहां पे मैंने बोला था आपको बाय का मतलब टू, एंड द ओवल विच हैज टू इंटीग्रमेंट और टू कोटिंग और टू कवरिंग, दैट इज सेड टू बी बायटेगमिक। अ का मतलब यहाँ पे अब्सेंट, इसका मतलब द ओवल विच हैज नो इंटीग्रमेंट। ओके, और द ओवल विदाउट एनी कोटिंग उसको हम क्या कहेंगे, अटेगमिक। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ओवल व्हाट विथ वन इंटीग्रमेंट, वन कोटिंग और यू कैन से विथ वन कोट और वन इंटीग्रमेंट, वन कोट और वन इंटीग्रमेंट। बाय का मतलब ओवल विथ व्हाट, ओवल विथ टू कोट्स और इंटीग्रमेंट। एंड लास्ट वन ओवल विदाउट इंटीग्रमेंट। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल आपको मैंने आपको अभी बोला कि मोस्ट केसेस में आपको याद रखना है कौन से केसेस में। यूनिटेगमिक जो है इट इज फाउंड इन और ऑब्जर्व्ड इन ओके जिम्नोस्पर्म में आपको क्या यूनिटेगमिक इंटीग्रमेंट देखने को मिलेगा। व्हाइल बायटेगमिक इट इज फाउंड इन मोस्ट, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी क्या मोस्ट एंजियोस्पर्म में आपको कौन सा टाइप का ओवल आपको देखने को मिलेगा, बायटेगमिक। ओके, व्हाइल यूनिटेगमिक इज आल्सो इन सम एंजियोस्पर्म यूनिटेगमिक ओवल इज प्रेजेंट एंड इन सम एंजियोस्पर्म कुछ केसेस है एक्सेप्शन है जहां पे क्या अटेगमिक ओवल इज प्रेजेंट। ओके, सो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है, मेनली इसी को फोकस करना है। जिम्नोस्पर्म में क्वेश्चन किसके ऊपर फोकस किया जाता है, जिम्नोस्पर्म में ओवल कैसा है यूनिटेगमिक एंड एंजियोस्पर्म में ओवल कैसा रहेगा बायटेगमिक, ये आपको फोकस करना है। और कुछ एंजियोस्पर्म में अटेगमिक भी रह सकता है, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एग्जाम्पल कौन से इसमें अटेगमिक है कौन से इसमें यूनिटेगमिक है, वी आर नॉट फोकसिंग। ओके, हमें फोकस करना है मोस्ट केसेस में। ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ ओवल बेस्ड ऑन द इंटेगमेंट। अभी और एक टाइप हम देखेंगे, टाइप ऑफ ओवल बेस्ड ऑन द, मैं ये रफ करूंगी, अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ ओवल बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ चलाजल एंड माइक्रोपाइल एंड हाइलम विथ बॉडी ऑफ ओवल। ओके, मैंने क्या क्या कहा कि चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड हाइलम का रिलेशन किससे कंपेयर करना है, बॉडी ऑफ ओवल से करना है। तो उसके बेसिस पे ओवल के टाइप्स है, और यू कैन से बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ व्हाट फ्यूनिकल देयर आर टाइप्स ऑफ ओवल।
कौन से टाइप्स है? बहुत सारे हैं, लेकिन हमें दो ही इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने हैं. दैट इज ओके. मैं फर्स्ट लिख रही हूँ ऑर्थ्रोट्रोपस. ऑर्थ्रोट्रोपस ट्रोपस ऑर्थ्रोट्रोपस. और इसको ही क्या कहा जाता है? अट्रोपस. ओ ट्रोपस ऑर्थ्रोट्रोपस और अट्रोपस. दूसरा हमें इससे कंपेयर करना है दूसरे से. दैट इज द मेनली एनोट्रोपस. मेनली एनोट्रोपस एनोट्रोपस सॉरी एनोट्रोपस. ओके और भी बहुत सारे हैं. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नाम लिख रही हूँ हेमीट्रोपस. हेमीट्रोपस ओके. इसके बाद और कैम्पाइलोट्रोपस है. मैं यहाँ पे खाली नाम लिखूंगी हेमीट्रोपस कैम्पाइलो कैम्पाइलोट्रोपस. ओके और सर्सिनोट्रोपस ट्रोपस. तो ये कुछ टाइप है. ओके ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है. हमें दो ही टाइप को फोकस करना है. एक ऑर्थ्रोट्रोपस और दूसरा है एनाट्रोपस. क्या डिफरेंस है हमें ध्यान देना है. ऑर्थ्रोट्रोपस ओके यहाँ पे ओवल जो है यहाँ पे दिस इज द फ्यूनिकल. और फ्यूनिकल के ऊपर क्या यहाँ पे इस तरह ओवल आता है. देयर इज ओवल. ओके इस तरह क्या ओवल रहेगा सीधा. दिस इज सेड टू बी व्हाट अपराइट अपराइट और स्ट्रेट. स्ट्रेट ओवल कहा जाता है. सीधा ओवल है. ओके यहाँ पे अभी हम मेंशन करेंगे कहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है कहाँ पे चलाजल एंड है. सो दिस इज द माइक्रोपाइल एंड. यम फॉर द माइक्रोपाइल याद रखना. यहाँ पे कौन सा एंड है? दिस इज द चलाजल एंड. चलाजल एंड सी फॉर द चलाजल. एंड यहाँ पे है क्या हाइलम. एच फॉर द हाइलम. यह याद रखना. यम फॉर द माइक्रोपाइल सी फॉर द चलाजल एंड एच फॉर द हाइलम. हाइलम का मतलब समझ सकते हो. इट इज द रीजन वेयर फ्यूनिकल अटैच टू द. दिस इज द फ्यूनिकल. ये है फ्यूनिकल. फ्यूनिकल अटैच टू द ओल बॉडी. दैट रीजन इज सेड टू बी हाइलम. तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सी सॉरी यम सी और एच अगर देखा दे आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट लाइन. दैट टाइप ऑफ ओवल इज सेड टू बी व्हाट अर्थ्रोट्रोपस ओवल. डायरेक्टली फ्यूनिकल के ऊपर डायरेक्ट सीधा ऐसे स्ट्रेट में कौन आ रहा है? ओवल बॉडी अराइज हो रही है. दैट टाइप ऑफ ओवल इज सेड टू बी अर्थ्रोट्रोपस ओवल. तो यहाँ पे ध्यान देना कौन कौन स्ट्रेट लाइन में है. माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड एंड हाइलम दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या एम सी एंड एच. इसका मतलब समझ सकते हो आर इन स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन समझ में आया. तो दैट टाइप ऑफ ओवल इज कॉल्ड द अर्थ्रोट्रोपस और अट्रोपस ओवल कहा जाता है. ये किसमें पाया जाता है? इस टाइप का ओवल जो है इट इज प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म. कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म. ओके तो जिम्नोस्पर्म में ये अर्थ्रोट्रोपस का ओवल पाया जाता है. एंड इट इज सेड टू बी प्रिमेटिव टाइप ऑफ अ वॉट. सिंपल एंड प्रिमेटिव टाइप ऑफ अ ओवल भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वॉट. ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिंपल एंड प्रिमेटिव टाइप. प्रिमेटिव प्रिमेटिव का मतलब समझ सकते हो ना. ओके प्रिमेटिव टाइप ऑफ वॉट ओवल. किसको कहा जाएगा? अर्थ्रोट्रोपस को. इसके ऑपोजिट बोल रही हूँ एनाट्रोपस. एनाट्रोपस में अभी हम इससे पहले हमने डिस्कस किया था. मैंने ऑलरेडी बोला था वहां पे फ्यूनिकल जो है फ्यूनिकल का कैसी ग्रोथ हो रही है. फ्यूनिकल इज ग्रो बाय सॉरी यूनिलैटरल साइड. एंड ओवल जो है ओवल बॉडी क्या होती है? बेंड होती है. ओके बेंड होती कितने बेंड कितना बेंड होती है ओवल बॉडी? इट इज बेंड बाय 180 डिग्री एंगल से. कितना बेंड होती है? 180 डिग्री एंगल से. तो यहाँ पे मैं डायग्राम निकाल रही हूँ. दिस इज द व्हाट फ्यूनिकल है. यहाँ पे ये फ्यूनिकल है और इसके ऊपर क्या ऐसे ओवल बॉडी जो आती है इट इज गेट बेंड. इस तरह क्या है ओवल बॉडी जो है वो बेंड होती है. इट इज गेट बेंड.
सो दिस इज सेड टू बी व्हाट इन्वर्टेड ओवल. इसको क्या कहा जाता है इन्वर्टेड ओवल. इसको हम क्या कहेंगे इन्वर्टेड ओवल. ओके तो यहां पे है व्हाट ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट किसमें चलाजर ए सॉरी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन द ओल बॉडी एंड फ्यूनिकल. दिस इज कॉल्ड एज एच. एच का मतलब हाइलम. एंड ये है माइक्रोपाइलर एट और दिस इज द चलाजर एट. अभी ध्यान देना कहां कैसे है ये ओल बॉडी में बोल रही हूँ इस तरह है. अगर एरो में अगर हमने दिखाया तो अर्थ्रोट्रोपस कैसा है ऐसा सीधा स्ट्रेट लाइन ओवल. लेकिन अभी ये कैसा हो गया बेंड हो गया कितने डिग्री से 180 डिग्री से या एंगल में वो क्या बेंड हो गया है. ओके सो दिस टाइप ऑफ ओवल इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस. पहले सीधा था अभी क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो चुका है इसलिए इसको क्या कहेंगे हम इन्वर्टेड ओवल. इसको जैसे अपराइट कहा है इसको हम क्या कहेंगे इन्वर्टेड ओवल कहेंगे. इन्वर्टेड ओवल कहा जाता है. ओके एंड इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म. मोस्ट ऑफ द 80% फैमिली जो एंजियोस्पर्म की है उसमें एनाट्रोपस ओवल पाया जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टिपिकल ओवल भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ व्हाट टिपिकल ओवल कहा जाता है. यहाँ पे बॉडी ऑफ ओवल इज गेट बेंड बाय और एट अ 180 डिग्री एंगल. बॉडी ऑफ ओवल इज गेट बेंड बाय एट अ 180 डिग्री एंगल से बेंड हो चुके हैं. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी ध्यान देना चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड. चलाजल एंड माइक्रोपाइल एंड आर इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके चलाजल एंड माइक्रोपाइल आर इन स्ट्रेट लाइन बट नॉट हाइलम. हाइलम नहीं है तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन में है क्या. यहाँ पे जैसे मैंने बोला था यहाँ पे तीनों को तीनों क्या स्ट्रेट लाइन में है कौन चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड हाइलम. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. ओके चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड आर इन स्ट्रेट लाइन एंड माइक्रोपाइलर एंड हाइलम दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ओके दे आर साइड टू साइड साइड बाय साइड है. कौन कौन साइड बाय साइड है माइक्रोपाइलर एंड हाइलम दे आर साइड टू साइड एंड चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड आर इन स्ट्रेट लाइन. दैट टाइप ऑफ ओवल इज सेड टू बी एनाट्रोपस ओवल कहा जाता है. तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रही हूँ. ओके ये इसके इनके बारे में हम बाद में देखेंगे हेमिट्रोपस क्या है. सो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा आपको इस एनाट्रोपस ओवल को इन्वर्टेड ओवल या टिपिकल ओवल भी कहा जाता है. और इसमें चलाजल ए सी एंड व्हाट एम इसका मतलब समझ सकते हो आर इन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन वाइल एम एंड एच इसका मतलब क्या माइक्रोपाइल एंड हाइलम आर साइड बाय साइड एंड क्लोज टू ईच अदर समझ में आया. दिस इज द एनाट्रोपस ओवल. ये किसमें पाया जाता है यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करना है. दैट इज द मोस्ट एंजियोस्पर्म में. मोस्ट व्हाट एंजियोस्पर्म में. So, आपको ये टाइप याद रखना है मेन. दूसरे जो टाइप है अभी मैंने बोला हेमिट्रोपस कैंपाइलोट्रोपस सर्सिनोट्रोपस ओवल. ये हम क्या है थोड़ा सा ब्रीफली मैं बोलूंगी. लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है खाली समझना है. एग्जाम्पल आपको इन डिटेल में सेपरेट एग्जाम्पल नहीं लिखना है आपको कॉमन मोस्ट कौन सी केसेस है ये ध्यान देना है. मेनली फोकस करना है अर्थ्रोट्रोपस एंड एनाट्रोपस. ओके सो यहाँ पे मैं बोल रही थी दूसरे टाइप इसका मीनिंग खाली समझना है आपको लिखने की जरूरत नहीं है. हेमिट्रोपस कैंपाइलोट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस. हेमिट्रोपस में ध्यान देना ओवल कैसा है. दिस द ओवल ये ओवल बॉडी है. दिस इज द फ्यूनिकल और इसके ऊपर ओवल आता है. लेकिन ओवल जो है इस तरह है. ओके
इस तरह है ओवल. तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कहाँ पे क्या है. सो आप यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज द चलासल एंड एंड दिस इज द हाइला. ओके तो यहाँ पे ध्यान देना ओवल फ्यूनिकल ऐसा है, सीधा फ्यूनिकल, देयर इज अ स्ट्रेट फ्यूनिकल और उसके ऊपर 90 डिग्री में कौन है ओवल बॉडी लोकेटेड रहती है या सिचुएटेड रहती है. ओके देयर इज अ स्ट्रेट फ्यूनिकल ऑन विच ओवल बॉडी जो है बेंड हो चुकी है लेकिन कितना 90 डिग्री में है. सो इस तरह अगर एरो में दिखाया गया तो इस तरह है, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे चलाजल एंड एंड यहाँ पे चलाजल एंड और हाइलम, नाउ दे आर वेरी क्लोज टू इच अदर. ओके सो ओवल बॉडी इज बेंड बाय 90 डिग्री एंगल. ओके ओवल बॉडी कैसे बेंड हो चुकी है 90 डिग्री एंगल में ऑन द वॉट फ्यूनिकल, समझ में आया. दिस इज कॉल्ड एज हेमीट्रोपस. यहाँ पे भी चलाजल एंड एंड माइक्रोपाइलर एंड आर इन स्ट्रेट लाइन बट चलाजल एंड एंड हाइलम आर वेरी क्लोज टू इच अदर. यहाँ पे मैंने बोला चलाजल एंड एंड माइक्रोपाइलर एंड आर इन स्ट्रेट लाइन बट हाइलम एंड माइक्रोपाइलर एंड आर वेरी क्लोज टू इच अदर. लेकिन हेमीट्रोपस में क्या है ओवल बॉडी कैसे बेंड हो चुकी है, ओवल बॉडी बेंड बाय 90 डिग्री एंगल ऑन अ व्हाट फ्यूनिकल, दैट इज कॉल्ड एज अ हेमीट्रोपस. इट इज फाउंड इन सम एंजियोस्पर्म. कैम्पाइलोट्रोपस में, कैम्पाइलोट्रोपस में ध्यान देना ओवल बॉडी जो है थोड़ी सी बेंड हो चुकी है, बेंड थोड़ी सी स्लाइटली बेंड हो चुकी है 90 डिग्री से और थोड़ा ज्यादा बेंड हो चुकी है. ओके एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कर्वेचर जो है, बेंड जो कर्वेचर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा. सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ ओवल बॉडी, दिस इज ओवल बॉडी, इस तरह बेंड हो चुकी है. बट वी कैन से यहाँ पे इस तरह बेंड हो चुकी है. सो दिस इज द व्हाट माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज द चलाजल एंड एंड यहाँ पे हाइला. यहाँ पे कैम्पाइलोट्रोपस में ध्यान देना माइक्रोपाइलर एंड एंड चलाजल एंड आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन, दे आर इन अ कर्व लाइन, कर्व लाइन में है, कर्व में है वो. ओके ये है कैम्पाइलोट्रोपस. कैम्पाइलोट्रोपस दे आर फाउंड इन लेग्युमिनेसी प्लांट एंड क्रूसीफेरेसी प्लांट फैमिली में आपको ये देखने को मिलेगा. सर्सिनोट्रोपस ओवल में ध्यान देना, मैं ओवल ओवल कैसा है ध्यान देना, यहाँ पे ये ओवल बॉडी पहले ऐसी बेंड हो चुकी है और फिर से ये बेंड हो चुकी जो ओवल बॉडी है फिर से अपराइट होती है इस तरह. मैं ओवल बॉडी मैंने नहीं निकाला है या निकाल अभी निकालते हैं, पहले बेंड इनिशियली बेंड होती है और फिर से क्या अपराइट आती है इस तरह, दिस द अपराइट नाउ. ओके तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे चलाजल एंड एंड यहाँ इधर जो है वी कैन से हाइलम. इसका मतलब क्या ना 180 डिग्री से नहीं, पहले 180 डिग्री इन्वर्टेड होती है और फिर से क्या अपराइट होता है, कौन ओवल बॉडी. तो मैं एरो में दिखा रही हूँ यहाँ पे कैसा, दिस इज द एरो, ये इस तरह क्या पहला बेंड होगा 180 डिग्री से, 180 डिग्री से बेंड होगा और फिर से यहाँ पे इस तरह क्या ऊपर आ रहा है ओवल बॉडी. इसका मतलब माइक्रो फिर से वो क्या सीधा हो रहा है ओवल बॉडी. ओके सो दैट टाइप ऑफ ओवल इज कॉल्ड एज अ सर्सिनोट्रोपस. इट इज फाउंड इन सम फैमिली दैट इज द हमारी क्या कौन सा प्लांट, दैट इज द अपुंशिया प्लांट. अपुंशिया प्लांट में ये देखने को मिलता है या कैक्टेसी फैमिली बोल सकते हैं, उसमें क्या ये सर्सिनोट्रोपस ओवल देखने को मिलता है. दिस इज द टाइप ऑफ ओवल. ओके आपको मेनली दो ही ओवल को फोकस करना है, ऑर्थोट्रोपस एंड एनोट्रोपस. यूजुअली इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है राइट. सो इसके बाद हम देखने वाले हैं क्या मेगास्पोरोजेनेसिस. ओके सो अभी हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस. यस आपको डेफिनेशन आएगी क्या, जैसे कि हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा था वैसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस. क्या डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ
formation of okay haploid megaspore from diploid megaspore mother cell through which process? Of course through meiosis or you can say reductional division. That is the what? Megasporogenesis. इसको क्या कहा जाता है? Megasporogenesis. अभी यहाँ ये megasporogenesis कहाँ पे होती है ये process? What is the site of megasporogenesis? That is the megasporangium. Megasporangium का मतलब what? Ovule. Site क्या है? What is the site? Site is nothing but ovule or you can say megasporangium. Megasporangium. ओके ओवल का स्ट्रक्चर आपको डेफिनेटली याद ही रखना पड़ेगा. ओवल का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे फिर से निकाल रही हूँ. यहाँ पे ये है ओवल. इस तरह ये ओवल है. ओके यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ ये जो है न्यूसेलस. दिस द न्यूसेलस. न्यूसेलस के सेल्स हैं. ये हम इसको कहेंगे देयर इज अ मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. तो ये है न्यूसेलस. ओके दिस द न्यूसेलस है. ओके एंड ये कौन सा एंड है? चलाजल एंड. और ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइल एंड कह सकते हैं. बाकी के अभी फोकस करने की जरूरत नहीं. तो क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस में? क्या होता है? वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस. न्यूसेलस कौन से सेल से बना है? डीप्लॉयड पैरेन्काइमा सेल से. तो एक ही सेल्स, बहुत सारे सेल्स नहीं, only one of the cells of nucleus present towards the micropylar end. Okay, only one of the cells of nucleus which is present towards the micropylar end. Exact towards मैंने बोला है, end पे नहीं, towards the micropylar end. It become enlarged. Okay, बहुत बड़ी होती है, dense cytoplasm रहता है उसमें, prominent का मतलब clearly visible ऐसा nucleus रहेगा. Okay, and that acquire a specific function. एंड इसका मतलब क्या हो गया? वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस विच इज टूवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड इट इज गेट डिफरेंशिएट होती है. डिफरेंशिएट होती है इसका मतलब इट इंक्रीज इन द साइज, हैविंग अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. ओके सो मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखा रही हूँ आपको एक ही सेल विच इज टूवर्ड द, अभी मैं खाली न्यूसेलस ही निकाल रही हूँ. दिस इज द न्यूसेलस. ओके ओनली वन ऑफ द सेल्स उसको ही हम फोकस करेंगे. बाकी के सेल्स हैं. ओके ओनली वन ऑफ द सेल्स विच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. ओके ये है चलाजल एंड एंड ये माइक्रोपाइलर एंड. दिस इज द न्यूसेलस. न्यूसेलस मैंने खाली न्यूसेलस ही निकाला है, याद रखना. ओके ओनली वन ऑफ द सेल्स ऑफ द ओनली वन बोल रही हूँ मैं, एक ही सेल. ओके इट इज गेट डिफरेंशिएट एंड एक्वायर अ व्हाट? बड़ी होती है, एक्वायर अ स्पेसिफिक फंक्शन, एनलार्ज होती है, बड़ी होती है, या ब्लू में ही दिखाएंगे क्योंकि अभी ये डिप्लॉयड कंडीशन है. ओके एनलार्ज होती है. दिस इज सेड टू बी व्हाट? एमएमसी. MMC का मतलब क्या? मेगास्पोर मदर सेल. ओके तो यहाँ पे क्या हो चुका है? यहाँ पे मैं दिख रही हूं. ओके ओनली वन सेल ऑफ न्यूसेलस टूवर्ड्स विच इज टूवर्ड्स द वॉट? ये याद रखना है माइक्रोपाइलर एंड. माइक्रोपाइलर एंड
क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है, डिफरेंशिएट एंड बिकम अ व्हाट, बिकम एमएमसी, एमएमसी। एमएमसी के बारे में आपको थोड़ा फोकस करना है। इट हैज अ व्हाट, डेंस साइटोप्लाज्म, इट हैज अ डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म विथ अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट विथ अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये याद रखना है। ओके, दिस इज अबाउट द एमएमसी। एमएमसी कैसी रहेगी, ऑफकोर्स इट इज द डीप ब्लड, डीप ब्लड रहेगी। कितने एमएमसी तैयार हो चुके हैं न्यूसेलस में, न्यूसेलस में पहले होमोजीनियस सेल्स है, होमोजीनियस यूनिफॉर्म सेल्स है, सभी सेल्स सेम है, बट जैसे जैसे ओवल मैच्योर होने लगता है तब ओनली वन सेल, यहाँ पे ओनली वन सेल आपको याद रखना है, वन सेल ऑफ द न्यूसेलस बिकम एमएमसी। एक न्यूक्लियस में एक ही एमएमसी मोस्ट केसेस में, एंड मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है, बट सम ऑफ द एंजियोस्पर्म में एक से ज्यादा क्या एमएमसी तैयार हो सकते हैं, लेकिन हम मोस्ट केसेस कह रहे हैं, मोस्ट बोल रहे हैं, मोस्ट एंजियोस्पर्म में ओनली वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस विच इज टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड इट इज गेट डिफरेंशिएट एंड बिकम अ एमएमसी, दैट इज द मेगास्पोर मदर सेल। ओके, इट इज अनलाइक द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में मैंने क्या कहा था, बहुत सारे क्या स्पोरोजिनस टिश्यू सेल्स रहते हैं, और स्पोरोजिनस सेल्स, ऑल द स्पोरोजिनस सेल्स हैव अ कैपेबिलिटी टू बिकम अ पोलन मदर सेल, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ओनली वन मेगास्पोरेंजियम में, एक मेगास्पोरेंजियम में यूजुअली एक ही एमएमसी तैयार होता है। ओके, हम बाद में डिफरेंस करने वाले हैं मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट में, लेकिन फिलहाल तो आपको ये पॉइंट थोड़ा सा मैं याद दिना रिवाइज करना चाहूंगी। माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने बहुत सारे एमएमसी देखे हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे क्या पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक मेगास्पोरेंजियम में यूजुअली एक ही क्या एमएमसी तैयार होता है, यूजुअली मैंने क्या यहाँ पे मोस्टली या यूजुअली कह सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, दिस एमएमसी अंडरगोज व्हाट, अंडरगोज यहाँ पे इट अंडरगोज, एमएमसी अंडरगोज व्हाट, मियोसिस, अंडरगोज मियोसिस, मियोसिस का मतलब क्या, रिडक्शन और डिवीजन। तो एमएमसी कैसे होता है आप जानते हैं, दिस एमएमसी अंडरगोज मियोसिस, पहले मियोसिस फर्स्ट होगा और उसके बाद मियोसिस मियोटिक साइकिल, मियोसिस या मियोटिक साइकिल, इट इज ऑकर इन अ टू स्टेप, दो स्टेप में होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो एक मियोसिस होने के बाद क्या होता है, ध्यान देना आपको, ओके, और ये एंड भी आपको फोकस करना है, ध्यान देना, मैं रेड में लिख रही हूँ, दिस इज द व्हाट चलाजल एंड एंड दिस द माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज द व्हाट चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड, आपको याद रखना है, वैसे ही मैंने निकाला है। तो इसके बाद क्या होता है, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद, मियोसिस फर्स्ट बोल रही हूँ मैं, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट एमएमसी अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट एंड फॉर्म्स क्या तैयार होता है, ध्यान देना, ये न्यूसेलस, ये न्यूसेलस के बाकी के सेल्स, अभी ध्यान यहाँ पे वन मियोस एमएमसी अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट एंड फॉर्म अ टू सेल्स, दो सेल्स तैयार होते हैं इस तरह, अभी मैं ब्लैक में दिखा रही हूँ क्योंकि प्लॉइडी लेवल चेंज हो गया। ओके, रिडक्शनल मियोसिस फर्स्ट होने के बाद इसको हम क्या कहेंगे, ये जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, दो सेल्स तैयार हो चुके हैं, हैप्लॉइड सेल्स, दीज आर द हैप्लॉइड सेल, इनको कहा जाता है क्या, माइक्रोस्पोर डायड, क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर डायड कहा जाता है, डायड का मतलब टू माइक्रोस्पोर तक तैयार हो चुके हैं, और ये कैसे हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं, दीज आर व्हाट
ये जो स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है माइक्रोस्पोर डायड, माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड रहेंगे एंड एमएमसी कैसे रहेंगे डिप्लॉयड. ओके दीज टू माइक्रोस्पोर अंडरगोज व्हाट अगेन यहाँ पे दूसरी प्रोसेस हो रही है. कौन सी दूसरी प्रोसेस का मतलब मियोसिस के सेकंड स्टेप दैट इज द मियोसिस सेकंड. आफ्टर द मियोसिस सेकंड व्हाट हैपन. ओके व्हाट हैपन क्या होता है ध्यान देना. आफ्टर द मियोसिस सेकंड यहाँ पे फिर से वही अदर न्यूसेलस सेल्स या अदर न्यूसेलस सेल्स हैं. अब मियोसिस सेकेंड होने के बाद न्यूसेलस में आपको चार माइक्रोस्पोर देखने को मिलते हैं. ओके इस तरह चार. ओके इस तरह चार दो तीन चार चार है. ओके यहाँ पे आपको फोकस करना है. दिस इज द अगेन टू माइक्रोस्पोर से क्या तैयार हो चुके हैं चार माइक्रोस्पोर एंड दिस इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर क्या टेट्राड कहेंगे. ओके माइक्रोस्पोर टेट्राड यूजुअली इट इज लीनियर जैसे पोलर टेट्राड सॉरी मेगास्पोर नॉट अ माइक्रो मेगास्पोर ये सब मेगास्पोर है नॉट माइक्रो. दीज आर द मेगास्पोर मेगास्पोर है ये मेगास्पोर ये है मेगास्पोर. मेगास्पोर टेट्राड होता है. वन मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट एंड फॉर्म टू मेगास्पोर विच इज दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ मेगास्पोर डायड. मियोसिस फर्स्ट होने के बाद डायड तैयार होता है एंड मियोसिस सेकेंड होने के बाद टेट्राड तैयार होता है. That is the gate for microspore, megaspore. चार मेगास्पोर तैयार हो रहे हैं after the meiosis second. Okay. Overall अगर हमने तो ये है मेगास्पोर टेट्राड. यहाँ पे ध्यान देना मेगास्पोर टेट्राड ये है चलाजल एंड एंड ये है माइक्रोबाइलर एंड. कितने मेगास्पोर तैयार हो चुके हैं चार. उसमें से तीन जो है डीजनरेट होते हैं. ये जो है थ्री These are the four megaspore. इसलिए इसको क्या कहा जाता है मेगास्पोर टेट्राड. आउट ऑफ दैट फोर मेगास्पोर थ्री डी जनरेट होते हैं थ्री डी जनरेट होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं डेड होते हैं. ओके विच इज टूवर्ड्स द वॉट माइक्रोपाइलर एंड जो टूवर्ड्स द वॉट टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइलर एंड. ओके एंड ओनली वन इज फंक्शनल ये जो है एक ही फंक्शनल रहेगा. ओनली वन फंक्शनल रहेगा विच इज टूवर्ड्स द वॉट टूवर्ड्स चलाजल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको एंड इसलिए तो मैं हर बार यहाँ पे एंड मेंशन कर रही हूँ चलाजल माइक्रोपाइलर चलाजल माइक्रोपाइलर एंड. ओके फिलहाल तो यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस में आपको क्या याद रखना है मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन एंड वहां पे वन एमएमसी. ओके मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड ये क्या है ये एमएमसी का मतलब क्या मेगास्पोर मदर सेल मदर सेल क्या होती है इसमें मियोसिस फर्स्ट होने के बाद क्या तैयार होता है मेगास्पोर डायड तैयार होगा. ओके मींस टू मेगास्पोर्स तैयार होंगे हैप्लॉयड मेगास्पोर एंड दैट अंडरगोज मियोसिस व्हाट सेकेंड आफ्टर मियोसिस सेकेंड दैट फॉर्म अ मेगास्पोर टेट्राड. टेट्राड का मतलब कितने मेगास्पोर दैट इज द व्हाट यहाँ पे टू सेल्स तैयार होंगे. यहाँ पे कितने सेल्स तैयार होंगे फोर सेल्स का मतलब व्हाट फोर मेगास्पोर आउट ऑफ दैट फोर मेगास्पोर थ्री आर गेट डी जनरेट विच इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड एंड ओनली वन इज गेट फंक्शनल मेगास्पोर रहता है किस तरफ चलाजल एंड की तरफ राइट. तो आपको ये ध्यान देना है फंक्शनल रहता है इसका मतलब क्या
दिस वन इज द मेगास्पोर विच इज लेटर ऑन डेवलप इन टू वर्ड फीमेल गैमेटोफाइट. ये बाद में किसमें डेवलप होने वाला है? फीमेल गैमेटोफाइट, एंड दैट इज नथिंग बट एम्ब्रियो सैक. ओके, तो आपको ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है. ओके, सो यहाँ पे ये खत्म हो गया. इसके बाद हम देखेंगे क्या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम दैट फंक्शनल मेगास्पोर. कहाँ, किस तरफ है? चलाजल एड की तरफ. ओके, मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ. मेगास्पोरोजेनेसिस के मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर. कहाँ से? फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल. कौन सी प्रोसेस? मियोसिस. मियोसिस प्रोसेस है, सॉरी, थ्रू द मियोसिस. तो यहाँ पे ओनली वन ऑफ द न्यूसेलस सेल्स विच इज टूवर्ड्स द विच एंड विच इज टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड इट इज गेट डिफरेंशिएट इन टू वर्ड एमएमसी. वन सेल ऑफ न्यूसेलस विच इज टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड इट इज गेट डिफरेंशिएट एंड बिकम अ एमएमसी. एमएमसी एंड दैट एमएमसी जो है इट अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट एंड फॉर्म अ मेगास्पोर डायड एंड दैट अंडरगोज व्हाट दैट मेगास्पोर मेगास्पोर डायड अंडरगोज मियोसिस सेकेंड एंड फॉर्म अ मेगास्पोर टेट्राड. ओके, यहाँ पे टेट्राड तैयार होते हैं. टेट्राड में चार मेगास्पोर रहेंगे. थ्री वन आर गेट डीजनरेट विच इज टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड एंड वन इज गेट फंक्शनल विच इज टूवर्ड्स प्रेजेंट which is present towards the chalazal end. That functional is get developed into, ये जो functional है, functional one, functional megaspore, जो है, it is differentiate, sorry, develop into, किसमें develop होने वाला है? Develops into what? Female gametophyte. किसमें develop होगा? Female gametophyte में. Okay, ये कैसा होता है हम दूसरे lecture में देखेंगे. Okay? So you have to read up this. It's present towards the micropylar end. Okay, only one of the cells of nucellus which is present towards the micropylar end. Exact towards मैंने बोला है, end पे नहीं, towards the micropylar end. It become enlarged. Okay, बहुत बड़ी होती है, dense cytoplasm रहता है उसमें, prominent. प्रोमिनेंट का मतलब क्लियरली विजिबल ऐसा न्यूक्लियस रहेगा. ओके, एंड दैट एक्वायर स्पेसिफिक फंक्शन. एंड इसका मतलब क्या हो गया? वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यू सेल्स विच इज टूवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड इट इज गेट डिफरेंशिएट होती है. डिफरेंशिएट होती है इसका मतलब इट इंक्रीज इन द साइज, हैविंग अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. ओके, सो मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखा रही हूँ आपको एक ही सेल विच इज टूवर्ड्स द, अभी मैं खाली न्यूसेलस ही निकाल रही हूँ. दिस इज द न्यूसेलस. ओके, ओनली वन ऑफ द सेल्स उसको ही हम फोकस करेंगे, बाकी के सेल्स हैं. Only one of the cells which is towards the micropylar end. Okay, ये है चलाजल end and ये micropylar end. This is the nucellus. मैंने खाली nucellus ही निकाला है, याद रखना. Okay, only one of the cells of the only one बोल रही हूँ मैं, एक ही cell. Okay, it is get differentiate and acquire what? बड़ी होती है, acquire specific function, enlarge होती है, बड़ी होती है. या ब्लू में ही दिखाएंगे क्योंकि अभी ये डिप्लॉयड कंडीशन है. ओके, एनलार्ज होती है. दिस इज सेड टू बी व्हाट? एमएमसी. एमएमसी का मतलब क्या? मेगास्पोर मदर सेल. ओके, तो यहाँ पे क्या हो चुका है? यहाँ पे मैं दिख रही हूं. ओके, ओनली वन सेल ऑफ न्यूसेलस टूवर्ड्स द वॉट, ये याद रखना है, माइक्रोपाइलर एंड क्या होती है? डिफरेंशिएट एंड बिकम अ वॉट? बिकम एमएमसी. एमएमसी के बारे में आपको थोड़ा फोकस करना है. इट हैज वॉट? डेंस साइटोप्लाज्म.
इट हैज अ डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म विथ अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट विथ अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये याद रखना है. ओके, दिस अबाउट द एमएमसी. एमएमसी कैसी रहेगी? ऑफकोर्स इट इज द डिप्लॉयड, डिप्लॉयड रहेगी. कितने एमएमसी तैयार हो चुके हैं न्यूसेलस में? न्यूसेलस में पहले होमोजीनियस सेल्स है, होमोजीनियस यूनिफॉर्म सेल्स है, सभी सेल्स सेम है. बट जैसे जैसे ओवल मैच्योर होने लगता है तब ओनली वन सेल, यहाँ पे ओनली वन सेल आपको याद रखना है, वन सेल ऑफ द न्यूसेलस बिकम एमएमसी. एक न्यूक्लियस में एक ही एमएमसी मोस्ट केसेस में, एंड मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है. पर सम ऑफ द एंजियोस्पर्म में एक से ज्यादा क्या एमएमसी तैयार हो सकते हैं, लेकिन हम मोस्ट केसेस कह रहे हैं, मोस्ट बोल रहे हैं. Most angiosperm में only one of the cells of nucellus which is towards the micropylar end, it is get differentiated and become a MMC, that is the megaspore mother cell. Okay, it is unlike the microsporangium. Microsporangium में मैंने क्या कहा था, बहुत सारे क्या sporogenous tissue cells रहते हैं, और sporogenous cells, all those sporogenous cells have a capability to become a pollen mother cell. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. Only one megasporangium में, एक megasporangium में usually एक ही MMC तैयार होता है. Okay, हम बाद में difference करने वाले हैं male gametophyte and female gametophyte में. लेकिन फिलहाल तो आपको ये point या थोड़ा सा मैं याद दिना रिवाइज करना चाहूंगी. माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने बहुत सारे एमएमसी देखे हैं. एक माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे क्या पोलर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. एक मेगास्पोरेंजियम में यूजुअली एक ही क्या एमएमसी तैयार होता है. यूजुअली मैंने क्या यहाँ पे मोस्टली या यूजुअली कह सकते. इसके बाद क्या होता है, दिस एमएमसी अंडरगोज व्हाट, अंडरगोज यहाँ पे इट अंडरगोज, एमएमसी अंडरगोज व्हाट, मियोसिस, अंडरगोज मियोसिस. मियोसिस का मतलब क्या, रिडक्शन और डिवीजन. तो एमएमसी कैसे होता है आप जानते हैं, दिस एमएमसी अंडरगोज मियोसिस. पहले मियोसिस फर्स्ट होगा और उसके बाद मियोटिक साइकिल. इट इज ऑकर इन अ टू स्टेप, दो स्टेप में होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड. तो एक मियोसिस होने के बाद क्या होता है, ध्यान देना आपको. ओके, और ये एंड भी आपको फोकस करना है, ध्यान देना. मैं रेड में लिख रही हूँ, दिस इज द वॉट चलाजल एंड एंड दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज द वॉट चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड, आपको याद रखना है, वैसे ही मैंने निकाला है. तो इसके बाद क्या होता है, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद, मियोसिस फर्स्ट बोल रही हूँ मैं, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट एमएमसी अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट एंड फॉर्म्स क्या तैयार होता है, ध्यान देना. ये न्यूसेलस, ये न्यूसेलस के बाकी के सेल्स, अभी ध्यान है यहाँ पे वन मियोस एमएमसी अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट एंड फॉर्म अ टू सेल्स, दो सेल्स तैयार होते हैं इस तरह. अभी मैं ब्लैक में दिखा रही हूँ क्योंकि प्लॉयडी लेवल चेंज हो गया. ओके, रिडक्शन ऑफ मियोसिस फर्स्ट होने के बाद इसको हम क्या कहेंगे, ये जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, दो सेल्स तैयार हो चुके हैं, हैप्लॉयड सेल्स, दीज आर द हैप्लॉयड सेल, इनको कहा जाता है क्या, माइक्रोस्पोर डायड. क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर डायड कहा जाता है. डायड का मतलब टू माइक्रोस्पोर तक तैयार हो चुके हैं. और ये कैसे हैं, हैप्लॉयड सेल्स है. दीज आर व्हाट, ये जो स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है माइक्रोस्पोर डायड, माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड रहेंगे एंड एमएमसी कैसे रहेंगे, डिप्लॉयड. ओके, दीज टू माइक्रोस्पोर अंडरगोज व्हाट अगेन, यहाँ पे दूसरी प्रोसेस हो रही है, कौन सी दूसरी प्रोसेस, का मतलब मियोसिस के सेकेंड स्टेप, दैट इज द मियोसिस सेकेंड. After the meiosis second, what happened? Okay,
व्हाट हैपन, क्या होता है, ध्यान देना. आफ्टर द मियोसिस सेकेंड, यहाँ पे फिर से वही अदर न्यूसेलस सेल्स या अदर न्यूसेलस सेल्स हैं. अब मियोसिस सेकेंड होने के बाद न्यूसेलस में आपको चार माइक्रोस्पोर देखने को मिलते हैं. ओके, इस तरह चार. ओके, इस तरह चार, दो तीन चार, चार है. ओके, यहां पे आपको फोकस करना है. दिस इज द अगेन टू माइक्रोस्पोर से क्या तैयार हो चुके हैं, चार माइक्रोस्पोर, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर क्या, टेट्रैड कहेंगे. ओके, माइक्रोस्पोर टेट्रैड, यूजुअली इट इज लीनियर, जैसे पोलर टेट्रैड, मेगास्पोर, नॉट अ माइक्रो, मेगास्पोर, ये सब मेगास्पोर है, नॉट माइक्रो. These are the megaspore. Megaspore है ये. Megaspore. ये है megaspore. Megaspore tetrad होता है. One megaspore mother cell undergoes meiosis first and form a two megaspore, that structure is called as a megaspore dyad. Meiosis first होने के बाद dyad तैयार होता है and meiosis second होने के बाद tetrad तैयार होता है. That is the again four microspore. Megaspore. चार मेगास्पोर तैयार हो रहे हैं आफ्टर द मियोसिस सेकेंड. ओके, ओवरऑल अगर हमने तो ये है मेगास्पोर टेट्रैड. यहाँ पे ध्यान देना, मेगास्पोर टेट्रैड, ये है चलाजर एंड एंड ये है माइक्रोपाइलर एंड. कितने मेगास्पोर तैयार हो चुके हैं, चार, उसमें से तीन जो है डीजनरेट होते हैं. ये जो है थ्री, दीज आर द फोर मेगास्पोर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मेगास्पोर टेट्रैड. आउट ऑफ दैट फोर मेगास्पोर थ्री डी जनरेट होते हैं. थ्री डी जनरेट होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डेड होते हैं. ओके, विच इज टूवर्ड्स द व्हाट, माइक्रोपाइलर एंड, जो टूवर्ड्स द व्हाट, टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड. ओके, एंड ओनली वन इज फंक्शनल, ये जो है एक ही फंक्शनल रहेगा. ओनली वन फंक्शनल रहेगा, विच इज टूवर्ड्स द व्हाट, टूवर्ड्स चलाजल एंड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको एंड, इसलिए तो मैं हर बार यहाँ पे एंड मेंशन कर रही हूँ, चलाजल माइक्रोपाइलर एंड. ओके, फिलहाल तो यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस में आपको क्या याद रखना है, मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन, एंड वहां पे 1 mmc. ओके, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, ये क्या है, ये एमएमसी का मतलब क्या, मेगास्पोर मदर सेल क्या होती है, इसमें मियोसिस फर्स्ट होने के बाद क्या तैयार होता है, मेगास्पोर डायड तैयार होगा. ओके, मींस टू मेगास्पोर्स तैयार होंगे, हैप्लॉयड मेगास्पोर, एंड दैट अंडरगोज मियोसिस व्हाट, सेकेंड, आफ्टर मियोसिस सेकेंड दैट फॉर्म अ मेगास्पोर टेट्रैड का मतलब कितने मेगास्पोर, दैट इज द व्हाट, यहाँ पे टू सेल्स तैयार होंगे, यहाँ पे कितने सेल्स तैयार होंगे, फोर सेल्स का मतलब व्हाट, फोर मेगास्पोर. आउट ऑफ दैट फोर मेगास्पोर थ्री आर गेट डी जनरेट, विच इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, एंड ओनली वन इज गेट फंक्शनल मेगास्पोर रहता है, किस तरफ, चलाजल एंड की तरफ, राइट. तो आपको ये ध्यान देना है, फंक्शनल रहता है इसका मतलब क्या, दिस वन इज द मेगास्पोर विच इज लेटर ऑन डेवलप इन टू वर्ड फीमेल गैमेटोफाइट, ये बाद में किसमें डेवलप होने वाला है, फीमेल गैमेटोफाइट, एंड दैट इज नथिंग बट एम्ब्रियो सैक. ओके, तो आपको ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है. ओके, सो यहाँ पे ये खत्म हो गया. इसके बाद हम देखेंगे क्या, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट
फ्रॉम दैट फंक्शनल मेगास्पोर। कहां किस तरफ है? चलाजल एंड की तरफ। ओके मैं फिर से रिवाइज कर रही हूं, मेगास्पोरोजेनेसिस के मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। कहां से? फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। कौन सी प्रोसेस? मियोसिस, मियोसिस प्रोसेस है, सॉरी थ्रू द मियोसिस। तो यहां पे ओनली वन ऑफ द न्यूसेलस सेल्स विच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, इट इज गेट डिफरेंशिएट इनटू व्हाट? एमएमसी। वन सेल ऑफ न्यूसेलस विच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, इट इज गेट डिफरेंशिएट एंड बिकम अ एमएमसी। एमएमसी एंड दैट एमएमसी जो है इट अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट एंड फॉर्म अ मेगास्पोर डायड, एंड दैट अंडरगोज व्हाट? दैट मेगास्पोर डायड अंडरगोज मियोसिस सेकेंड एंड फॉर्म अ मेगास्पोर टेट्राड। ओके यहाँ पे टेट्राड तैयार होते हैं। टेट्राड में चार मेगास्पोर रहेंगे, थ्री वन आर गेट डीजनरेट विच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, एंड वन इज गेट फंक्शनल विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द चलाजल एंड। दैट फंक्शनल इज गेट डेवलप इनटू, ये जो फंक्शनल है, फंक्शनल वन फंक्शनल मेगास्पोर जो है इट इज डिफरेंशिएट सॉरी डेवलप इनटू, किसमें डेवलप होने वाला है? डेवलप्स इनटू व्हाट? फीमेल गैमेटोफाइट। किसमें डेवलप होगा? फीमेल गैमेटोफाइट में। ओके ये कैसा होता है हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। ओके सो यू हैव टू रेड दिस।